से पहले मैं ये टॉपिक शुरू करूंगी मोबाइल यूज जो सबसे ज्यादा आजकल पेरेंट्स तंग है क्या करते हैं आप बच्चों से ले लिया अपने मोबाइल और खुद हाँ फोन चला रहे हैं उस पर गेम्स खेल रहे हैं या इंस्टाग्राम कर रहे हैं यूज तो सबसे पहले ये होगा कि आप अगर उनसे मोबाइल ले रहे हो तो उनके सामने मेक श्योर कभी भी आप ना मोबाइल यूज करो कि जो ऑब्जर्व करते हैं वो ज्यादा सीखते हैं इन जो हम सिखाते हैं बच्चे ये मत करो वो मत करो वो ऐसे कभी नहीं सीखते वो देख देख के सीखते हैं एज डेवलपमेंट की राइट right एज कौन सी है और बेसिकली स्टेटस सिंबल बन गया आजकल कि हमारा बच्चा इस टर्निंग 1.2 1.3 के हम डे केयर में डाल देंगे उसके बाद जी प्ले वे में डाल देंगे डालो प्ले वे में डालो, डालो 1.5 से 3 इज द राइट एज फॉर प्ले वे जैसे बहुत छोटा बच्चा है एक बच्चे को हम कह रहे हैं ना वो बच्चा जान के उस चीज को टच कर रहे हैं हम कह रहे हैं नहीं 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 रादर उसको फटाफट ले जाओ दिखाओ ये 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 देखो कितने सुंदर फूल हैं या आई बॉट न्यू टॉय फॉर यू कि देखो कितना सुंदर है या ये काम देखो कैसे हो रहा है जब हम पहले स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं ऑल ऑफ अ सडन हम उनके फ्रेंड्स नहीं बन सकते तो हमें शुरुआत से ही उनके साथ बहुत फ्रेंडली बिहेवियर करना होता है हमेशा मैं बार बार कह रही हूँ कि उनको टोको कम टोको कम कई पेरेंट्स की भी ये बहुत गंदी हैबिट है, है कि सबके है। सामने अपने बच्चे की जो है नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करने तो ये सबसे बड़ा सबसे गलत हैबिट है ये पेरेंट्स के लिए टिप है कभी भी सोशली चाहे आपके रिलेटिव्स हैं अपने फ्रेंड्स हैं कभी अपने बच्चे की कभी भी कोई नेगेटिव इशू उठाओ मत ਸ਼ਸ਼ਤਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬਲਿੰਨ ਕੌਰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜਕੱਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਧੀਆ ਹੈਬਿਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇ हाय uh, मैम सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि गुड पेरेंटिंग टिप्स क्या हैं क्योंकि बच्चों के लिए डेवलपमेंट की एज में अगर देखा जाए सबसे पहले क्या सिखाया जा सकता है सबसे पहले मैं आपके सबसे पहले मैं ये टॉपिक शुरू करूँगी मोबाइल यूज़ जो सबसे ज़्यादा आजकल पेरेंट्स तंग हैं तो सबसे पहले ये होता है कि आप खुद मत यूज़ करो मोबाइल पेरेंट्स हम क्या करते हैं आप बच्चों से ले लिया अपने मोबाइल और खुद खुद हम फ़ोन चला रहे हैं उस पर गेम्स खेल रहे हैं या इंस्टाग्राम कर रहे हैं यूज़ तो सबसे पहले ये होगा कि आप अगर उनसे मोबाइल ले रहे हो तो उनके सामने मेक श्योर कभी भी आप ना मोबाइल यूज़ करो ना फ़ोन पर बातें ना कोई गेम ना कोई ये सोशल मीडिया उनके आगे यूज़ किया करो क्योंकि बच्चे क्या सीखते हैं बेसिकली वो ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशनल लर्नर्स होते हैं कि जो ऑब्ज़र्व करते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं इन जो हम सिखाते हैं बच्चे ये मत करो वो मत करो वो ऐसे कभी नहीं सीखते वो देख देख के सीखते हैं तो सबसे बेसिक ट्रिक यही है कि आप कभी ना उनके आगे फ़ोन यूज़ करो अगर आप चाहते हो कि मेरे बच्चे फ़ोन ना यूज़ करें बहुत सारे घरों में ये सबसे मेन प्रॉब्लम है कि बच्चे फ़ोन बहुत यूज़ कर रहे हैं आदत कहाँ से डली या फिर देख देख के जैसे आपने बोला कि ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर उसके बाद अगर उनसे फोन खींचा जाए तो उसके बाद वो चिड़चिड़े हो जाते हैं रोने लग जाते हैं या फिर तंग करना शुरू हो जाते हैं और कई पेरेंट्स को लगता है कि अगर ये तंग कर रहे हैं तो मोबाइल फोन देकर बिठा दो तो दो घंटे तीन घंटे ऐसे ही पार हो जाएंगे इसके ऊपर कैसे मतलब पेरेंट्स कैसे डील करें इस सिचुएशन पेरेंट्स को सबसे पहले टिकाने के लिए उन्हें फ़ोन देना ही नहीं चाहिए रादर उनको कोई एक्टिविटीज़ में करें कोई गेम्स हैं बोर्ड गेम्स हैं प्ले गेम्स हैं कुछ भी करें बट फ़ोन खुद अवॉइड करें तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एज डेवलपमेंट की राइट right एज कौन सी है स्कूल गोइंग की राइट right एज कौन सी है और कौन कौन सी एज में हम किस किस फैक्टर को यूज़ करके बच्चे की डिवेलपमेंट जो है उसकी ग्रोथ जो है उसके ऊपर काम कर सकते हैं बेसिकली आजकल क्या ट्रेंड हो गया कि बच्चा सवा साल का हुआ तो प्ले स्कूल में डाल दिया कि नहीं तो डे केयर्स में डाल दिया तो हमें एटलीस्ट एट द एज ऑफ 1.5 अवॉइड करना चाहिए बच्चों को कहीं भी डालने से पहले क्योंकि बच्चा जो घर पे सीखेगा जो लव केयर कंसर्न घर पे मिलेगा वो कहीं नहीं मिलता है तो बेसिकली स्टेटस सिंबल बन गया आजकल अच्छा कि हमारा बच्चा इज़ टर्निंग 1.2 1.3 के हम डे केयर में डाल देंगे उसके बाद जी प्ले वे में डाल देंगे डालो प्ले वे में डालो वन से थ्री इज़ द राइट एज फॉर प्ले वे और उसके बाद स्कूलिंग के तो आजकल स्कूल्स ने ही रूल्स बना दिए दैट इज़ वेरी गुड बिकॉज 3.5 पॉइंट फाइव टू फोर पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट सेवेंथ टू फोर पॉइंट एट क्योंकि बहुत ज़रूरी है जितना ज़्यादा छोटा बच्चा जाएगा उतना उसे टफ़ लगेगा हर चीज़ एज अ बर्डन लगेगी जितना वो डेवलप्ड होकर जाएगा जितना वो अच्छा एटमोसफेयर घर से सीख कर जाएगा वो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा आगे के लिए भी उसके फ्यूचर के लिए भी जी टू टू फाइव जो एज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है घर पे बहुत कुछ सीखना उसके बाद स्कूल जाना स्कूल में बहुत कुछ नया सीखने को मिलना तो क्या ऐसी चीज़ें जो घर से हम शुरुआत कर सकते हैं और स्कूल में जाके वो उस बच्चे के काम आएंगे सबसे पहले तो है लव केयर एंड कंसर्न बच्चे को हमेशा प्यार करो कोई गलती करता है उसे मत टोको हमेशा मत कहते रहो कि ये मत कर वो मत कर तू सारा दिन यही करता रहता है नो वर्ड्स कम से कम यूज़ करो इंस्टेड डाइवर्ट uh, करो वर्ड्स को कि बच्चे आप ये क्यों कर रहे हो आप ऐसे कर लो इंस्टेड नो 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 सुन के बच्चों को क्या लगता है कि हम हमेशा ही माँ मा तो मेरी टोक की जा रही है या ना 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 ही कहती है तो हमेशा उसको स्मार्टली डील करो उसकी सिचुएशन से अगर आपको टीवी से भी हटाना है तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि हम टाइम लिमिट सेट कर दें कि बच्चा घंटा टीवी देख रहा है चाहे वो छोटा बच्चा ही है हम वीडियोज़ ही दिखा रहे हैं हम विलिंगली दिखा रहे हैं उसको प्री स्कूल वीडियोज़ या कोई अच्छी आजकल वो कोकोमेलिन वीडियोज़ चलती हैं दिखाओ उसे बट मेक श्योर कि आधा घंटा या पौना घंटा दिखाओ फिर उसके बाद अगर उसे आदत लग रही है तो हमें लग रहा है कि हाँ बच्चा बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहा है तो फटाफट डाइवर्ट करना है हमने माइंड और वो भी बहुत प्यार से जैसे बहुत छोटा बच्चा है एक बच्चे को हम कह रहे हैं ना वो बच्चा जान के उस चीज़ को टच कर रहा है हम कह नहीं 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 राधर उसको फटाफट ले जाओ दिखाओ ये देखा कितने सुंदर फूल हैं hmm. या आई न्यू टॉय फॉर यू कि ये देखो कितना सुंदर है या ये काम देखो कैसे हो रहा है कि बच्चे को ना 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 जितना करोगे उतना वो ट्रिगर होता है और उसका मन करता है कि मैं वो चीज करूँ क्यों टोका जा रहा है मुझे hmm. तो ना वर्ड कभी भी ना यूज करो बचपन से ही उसको टोकना है तो ऐसे टोकना है हमने कि पता ही ना लगे कि हाँ बच्चे अब ये नहीं हम ये करें हम ऐसे द्यान, नहीं ध्यान जो है चेंज Basically करना है करना है। बिल्कुल डायरेक्ट नो वर्ड नहीं यूज छोटे बच्चों का ये थे? स्मार्ट डीलिंग टिप्स हैं जो yes. पेरेंट्स अभी यूज कर सकते हैं इस एज के बच्चों के लिए उसके बाद आफ्टर फाइव इयर्स की एज में और उसके बाद फिफ्टीन इयर्स तक की एज अगर देखा जाए फाइव टू टेन होगी ट्वेल्व होगी तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है स्कूल में जाना बहुत सारा बर्डन भी होता है स्टडीज का और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डील नहीं कर पाते इस चीज़ के लिए फिर पेरेंट्स प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं उसको कैसे डील कर सकते हैं बेसिकली इस पर ये चीज़ होता है कि घर पर भी एक ठीक है टाइम सेट हो जाता है बच्चों का बहुत बिजी बच्चे होते हैं कि घर पर भी आके उन्होंने अपना होमवर्क भी करना है फ्रेश भी होना है सब कुछ करना है उसमें हम बेसिक बच्चों को बस टोकते रहते हैं कि बच्चे अब तेरा पढ़ने का टाइम आ गया पढ़ ले होमवर्क कर ले या ट्यूशन चला जा ट्यूशन से आके फिर ट्यूशन का होमवर्क कर ले इसकी बजाय हम थोड़ा सा रूल्स सेट करें कि हाँ घंटा अगर बच्चे ने पढ़ना भी है तो पढ़ लिया और उसमें प्रेशराइज ना करके उसके साथ हम टाइम स्पेंड करें पूछें कैसा रहा स्कूल कैसा रहा दिन हम क्या करते हैं सिर्फ बोलते रहते हैं अब तेरा ये टाइम हो गया तू जा अब तेरा ये टाइम हो गया तू जा तो यहाँ क्यों नहीं जा रहा तो वहाँ क्यों नहीं जा रहा उसकी बजाय क्वालिटी टाइम स्पेंड करें बच्चे को भी लगे कि मदर समझ रही है कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ या मैं बहुत प्रेशराइज हूँ या मैं मेरा बहुत टाइट स्कड्यूल है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ जिसमें मेरी हेल्प हो जी 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 बिल्कुल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी मानी जाएंगी और उसके बाद जब डिसिप्लिन आ गया सब कुछ पता लग गया कि अब बच्चा खुद अपने आप को डिवेलप कर सकता है अपने माइंड को बढ़ा सकता है तो उसके बाद आ जाता है कि बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेवियर होना है क्योंकि उसने अकेले ने स्कूल जाना अकेले ने कॉलेज जाना तब वो क्या मतलब बहुत सारी सिचुएशन आजकल के टाइम पे सोसाइटी में है स्पेशली सोशल मीडिया के दौर में तो वो कैसे डील करें क्योंकि बच्चे जो हैं शायद अभी इस एज में आके कुछ ना कुछ छुपाना शुरू कर देते हैं उसमें यही होता है, है शुरुआत से ही हमें उनका फ्रेंड बनना होता है जब हम पहले स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं ऑल ऑफ़ अ सडन हम उनके फ्रेंड्स नहीं बन सकते तो हमें शुरुआत से ही उनके साथ बहुत फ्रेंडली बिहेवियर करना होता है हमेशा मैं बार बार कह रही हूँ कि उनको टोको कम टोको कम जितना हम शुरुआत में टोक रहे हैं ऑल ऑफ़ अ सडन हम फ्रेंड्स नहीं बन सकते तो हमेशा उनके साथ प्यार से रहो हर सिचुएशन उनकी समझो अगर कोई गलती करते हैं उनको हमेशा नहीं कहना कि क्यों कर ली रादर देखो कि क्यों हो गई उससे गलती उसको डिसीजन लेने दो छोटे होते से ही हम क्या कहते हैं बच्चे बच्चे के सारे डिसीजन हम ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स बन जाते हैं पहले तो हम दिखाने लग जाते हैं बच्चा बहुत छोटा है कर हम मैं करूंगी सारे काम तेरा ये काम भी मैं करती हूँ तेरा वो काम भी मैं करती हूँ फिर क्या होता है तब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसे काम करने की आदत नहीं रहती तो उसको थोड़ा थोड़ा काम करने दो अगर करता है गलत करता है कुछ नहीं होता बट उसे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इंडिपेंडेंट होने दो फॉर एग्जाम्पल अब मैंने उसको काम अपने बेटे को मैंने कहा कि मुझे फ्रेश लाइन पीने का मन है मम्मा के लिए प्लीज़ अब बना लो अब क्वाइट ऑब्वियस मेरा छोटा बच्चा है इज एट ईयर्स ओल्ड तो वो पानी भी गिरेगा डालते हुए थोड़ा उसने चीनी भी फैला दी थोड़ा नींबू भी कर दिया बेसिकली किचन थोड़ी तहस नहस करके आया बट स्टिल उसने बनाई तो रादर मैं ये कहूं देख बेटा तूने तो किचन ही साड़ दी देख कितनी गंदी कर, कर दी ये कर दिया मतलब तो मैं उसकी सिर्फ नेगेटिव चीजें देख रही हूँ लेकिन मैंने उसे कोई अप्रिसिएशन नहीं दिया रादर वो बना के लाया तो मैंने अब क्या किया मैंने उसे अप्रीशिएट किया कि बेटा बहुत अच्छा किया नहीं। कुछ नहीं होता कि उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो तुम्हें दिख रहे हैं तुम इग्नोर करो और उनकी छोटी छोटी चीज़ों पे पहले से रिवॉर्ड करो अगर कोई भी बच्चा कुछ भी छोटा काम करता है ज़रूर उसको अप्रिशिएट करो कि बेटा बहुत अच्छा किया एक सोशली उनके जो ड्रॉबैक्स हैं कभी न मत गाओ तुम्हारे गेस्ट हैं हमारा बच्चा तो देखो ऐसे ही करता है जी ये बहुत बच्चों मतलब बहुत फैमिलीज़ में ये चीज़ें देखने को मिली हैं फिर वो बच्चा है ना वो पीछे हो जाता है वो बिल्कुल, बिल्कुल आगे नहीं आएगा कि मेरे पेरेंट्स तो मेरी बेजती हर हाँ। बार ही करते हैं कई पेरेंट्स की भी ये बहुत गंदी हैबिट है, है, है कि सबके है। सामने अपने बच्चे की जो है नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करने तो ये सबसे बड़ा सबसे गलत हैबिट है ये पेरेंट्स के लिए टिप है कभी भी सोशली चाहे आपके रेलेटिव हैं अपने फ्रेंड्स हैं कभी अपने बच्चे की कभी भी कोई नेगेटिव इशू उठाओ मत उसकी बेजती नहीं करनी चाहिए तो बच्चा ऑफकोर्स उसे लग रहा है कि हम जब मेरे बच्चे कि मेरे अपने लोग मेरी बेजती कर रहे हैं तो मैं कहाँ जाऊं तो वो क्या करेगा धीरे धीरे अपना अग्रेशन निकालने के लिए अब वो अपनी मॉम को तो नहीं टोक सकता कि मम्मा आपने ये क्या किया है ना अपने डैड को टोक सकते हैं तो वो बच्चे बेसिकली आपने नोटिस किया होगा कई बच्चे बहुत अग्रेसिव गेम्स खेलते हैं जैसे वो मार धाड़ वाली जिसमें किकिंग है बॉक्सिंग है या गन से टिक, टिक 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 हो रहा है वो रीजन ही क्या होता है रियली डोंट नो द गेम्स वो नेम ऑफ द गेम्स बट बेसिकली बहुत अग्रेसिव गेम्स खेलते हैं बच्चे वो क्या होते हैं वो वहां वाला अग्रेशन अपनी गेम्स पे निकालते हैं तो ये बच्चों में अग्रेशन भरता रहता है उन्हें बहुत बेस्ती महसूस होती है कि मेरे मां बाप मेरी बेस्ती कर रहे हैं तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए वो चीज़ बच्चों का बहुत डाउन करती है जी, जी, तो जी। बच्चा कुछ भी छोटा काम कर रहा है तो आप रिवॉर्ड करो उनको इन फ्रंट ऑफ सोशली इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स इन फ्रंट ऑफ योर रिलेटिव इन एनी कि देखो मेरे बच्चे ने ये किया चाहे वो बहुत छोटा था चाहे सामने वाला भी सोचे यार ये क्या है बच्चे ने एक ए ग्रेड ही लिए मेरे बच्चा तो ए प्लस लेते हैं कुछ नहीं होता सोचने दो तो लोगों को लेकिन बच्चों की हमेशा दूसरों के आगे तारीफ करो ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े और उसे लगे कि हाँ मेरे बाप मेरे साथ हैं घर से शुरुआत होगी कॉन्फिडेंस बिल्ड होने की तभी सोसाइटी में जाके जो है उनको ये चीजें मैटर करनी शुरू हो जाएंगी अब आपने डिस्कस किया था जैसे रिश्तेदारों की बात की जा रही है सबसे पहले जब कोई घर पे आता ना तो हम बच्चों के लिए अप्रिसिएशन तो चलो कई पेरेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा इंकरेज भी करते हैं अपने बच्चों को पर जो है ना बातें करते करते डिस्कशन जो करनी है नेगेटिव पॉइंट्स हमने बात की उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होनी शुरू हो जाती है तब तो जब बच्चे पास बैठे होते हैं कई बारी ऐसे होते हैं कई बच्चे तो बीच में बैठना पसंद करते हैं डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं बट कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर पे बहुत एक्टिव होंगे और उनके साथ बैठने में बिल्कुल पसंद नहीं करते वो उनके लिए कैसे डील करना चाहिए उनको कैसे समझा सकते हैं कि नहीं मतलब पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोशली एक्टिव हम बच्चों को ऐसे कर सकते हैं कि हम शुरू से ही या जब भी बच्चे आते हैं तो हम कई बार हमें होता है कि आप बैठे हो अंदर कोई रिलेटिव आ रहे है हम खुद ही नहीं कहते बैठने देते हैं तो जब भी आते हैं तो उन्हें ज़रूर मिलवाओ उन्हें कहो कि विश करो बेटा कि ये चीज़ हमें सिखानी है उन्हें हमें उनको सोशली एक्टिव करना है या सोशल मैनर्स बेसिकली कई हम हमेशा ही ऐसे करते हैं कि वो बैठे हैं या वो सो रहा था या अभी खा कर चुका है कि आप अंदर ही रहो सबसे पहले उन्हें इंट्रोड्यूस कराओ हमेशा उन्हें ओपन अप कराएं ये हमारा काम है पेरेंट्स का कि जब भी कोई आता है घर में तो उसे सिखाएं कि कैसे ट्रीट करना है या करना है तो जाके बच्चे खुलेंगे तो बच्चे खुद चाहेंगे कि हाँ अच्छा ये तो मेरे ये वाले अंकल आए वुड लव टू मीट देम मुझे बहुत मजा आएगा जब हम उन्हें खुद ही नहीं हम फोर्स करते कि आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो आप जा रहे हो अगर वो बच्चे क्रॉस कर रहे हैं कोई आए मेरी वन ऑफ माई फ्रेंड केम मेरा बच्चा क्रॉस कर रहे हैं और मैं जाने दे रही हूँ बट मैं उसे टोकूंगी कि नहीं नविश कम नहीं। कि मिलो विश करके जाओ बताओ क्या कर रहे हो आजकल अगर वो बात कर रहे हैं तो पार्टिसिपेट करो जवाब दो जब वो धीरे धीरे सीखेंगे वो जरूर बैठेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कहते हैं बैठे हैं जा रहे हैं चलो रहने दो नहीं आ रहे हैं बताओ बच्चों को क्यों इन्वॉल्व करना है ऐसा ना? बड़े बैठे हैं बड़े बात कर रहे हैं बट जरूर उनको इन्वॉल्व करो उन्हें मिलवाओ उससे सबसे इंट्रोड्यूस करवाओ क्योंकि एक ना एक बात से दो चार बातें निकलती है मेन uh, टॉपिक या कॉमन टॉपिक होते होता है बेटा आप कौन सी क्लास में हो कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो ये दो चार चीज़ों से वो भी तो खुलते हैं ना बच्चे बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो बच्चे खुले खुलते ही नहीं क्योंकि हम ही चाहते हैं कि अच्छा बच्चा क्लास में गया हुआ है कोई रिलेटिव आता है कोई ओकेजन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम हमें होता है कि बच्चा स्कूल है अगर छुट्टी भी मरवानी पड़े तो उन्हें भी तो हमें सिखाना है ना कि क्या ट्रेडिशन है कोई फेस्टिवल है कि वो कैसे इंजॉय करेंगे जी जी हम खुद ही उनको चाहते हैं कि चलो रहने दो आप रह बाहर रहो तो बाहर ही रहो आप क्यों अंदर आ रहे हो कि नहीं उन्हें हर चीज़ में इन्वॉल्व कराओ बेसिकली जो छोटी चीज़ें हैं सोशली उनको एक्टिव और भी हम कर सकते हैं कि तब बर्थडेज होते हैं या उनको वैल्यू हो तो इंस्टेड ऑफ ये पार्टीज वार्टीज कोई सोशल सर्विस करवाएँ उनसे जी, 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 कोई भी कहीं भी किसी भी संस्था में जाके कोई डोनेशन कराए कुछ खाना बना के जो जितना अफोर्ड कर सकता है ताकि उन्हें ये भी पता लगे कि सिर्फ हमारा लाइफ ये घर में सीमित नहीं है या लग्जरीज में नहीं है उन्हें पता लगे कि जो बेसिकली लोग क्या क्या कमियां महसूस कर रहे हैं कितनी लोगों को दुख है या दर्द है दुनिया में दे ऑल्सो गेट टू नो दीज ऑल्सो थिंग्स कि हमें हमेशा इतना प्रोटेक्टिव नहीं रहना चाहिए कि हाँ मतलब जो लग्जरीज है या जो बच्चा मुँह से निकाल रहा है उसे हर बार नहीं देनी चाहिए उसे वैल्यू डालनी चाहिए जब भी उनको स्टोरी सुनाओ ये नहीं सुनानी चाहिए सुपर हीरोज़ की या कुछ भी जो बेस्ट एंडिंग्स की रादर उन्हें स्ट्रगलिंग स्टोरी सुनाओ जीड़ी तो, तो जीड़ी। उन्हें पता लगे दुनिया में स्ट्रगल भी चल रहा है चाहे अपने आप को ही लेके सुनाओ कि अब हीरो चाहे उसके उसमें फादर ही है मदर ही है ओनली उन्हें तभी पता लगेगा एल्स बच्चों को क्या होता है कि जब बच्चा एक चीज मुंह से निकाल रहा है हम दो ला के दे रहे हैं तो बच्चे को पता है कि मेरी इन एनी केस मेरी सारी डिमांड्स पूरी हो जानी है जी। तो जरूरतमंद डिमांड्स पूरी करो ना डिमांड्स शुरू से ही ना पूरी करो रोज़ पेशेंट्स आते हैं आपके पास है ना बच्चे बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स उनके पेरेंट्स लेके पहुंचते हैं तो सबसे ज़्यादा मेन अगर देखा जाए ना आजकल के बच्चे सोशल मीडिया जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पेरेंट्स ही यूज़ करते हैं और उनके साथ देखते देखते बहुत सारे सोशल मीडिया पे ना हमने वीडियोज़ देखी हैं अगर कोई बच्चा कोई गलत काम कर रहा है ना तो उसको फ़नी वे में लेके उसको मतलब ऐसे शो करते हैं कि हमारे बच्चे ने तो ये किया ताकि लोग हंसे या वीडियो वायरल के मतलब कंटेंट बनाने में और अब्यूजिंग भी बहुत ज़्यादा बच्चे करना शुरू हो गए हैं उसको कैसे डील कर सकते हैं कैसे बच्चों को समझा क्योंकि अभी तो नहीं समझ आएगी शायद बाद में वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी विजुअली एक्चुअली विजुअल भी बहुत इफेक्ट करता है बच्चों को बच्चों को आजकल वो रील्स बहुत चल रही है या यूट्यूब पे वॉट वी कॉल शॉर्ट्स बहुत चल रहे हैं उससे लोग बच्चे बहुत स्पेशली ऑब्सेस्ड है तो हमारे पास बहुत केसेस आते हैं जो एक्सेसिव यूज इसके कारण उनको ऑटिज्म है ए डी एच डी है दीज आर सम ऑफ द मैं टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं अवेयर करना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है बट आजकल पेरेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं होती बच्चे अब कहते हैं जी हमारे सोशली इनएक्टिव है घर पे बहुत एक्टिव है तो ये एक आदि बीमारियां हैं बहुत छोटी स्टेज पे इसको डिटेक्ट कर लोगे तो ये ठीक हो जाएंगी तो ये ज़रूर बच्चों को देखें और चेक करें और ज़रूर एक किसी साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर विज़िट करें स्पेशली कि ये चेक कराने के लिए उनकी टेस्टिंग ज़रूर कराएं पेरेंट्स ज़रूर अवेयर रहें कि इनको आजकल ऑटिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों में hmm. वो क्या होता है बेसिकली बच्चा सोशली इनएक्टिव होता है और घर पे बहुत एक्टिव होता है और लोग बहुत विलिंगली कई बच्चे हमारे पास एक बहुत ऐसा केस है जिसमें वो बच्चा बहुत बोलता है सब कुछ करता है बट वो सिलेक्टिव म्यूटिज़म है बेसिकली जहाँ वो बोलना चाहते हैं सिर्फ वहाँ बोलते हैं अदरवाइज वो बोलता ही नहीं है इन क्लास वो बिल्कुल नहीं बोलता बट अच्छा। अब हमारे पास सिक्स मंथ से आ रहे हैं बहुत एक्टिव हो गया है अब उसकी मदर्स की सारी कंप्लेंट खत्म हो गई है तो बेसिकली ये पेरेंट्स की अवेयरनेस है जो उनको होनी चाहिए कि बच्चे में कुछ भी आप जरा सी भी कोई चेंज देखते हैं तो जरूर एक साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट करें क्योंकि ये मेन डेवलपमेंट की एज है अगर यहाँ नहीं सही किया तो मेरे ख्याल से आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आई वुड लाइक टू से अर्ली जितना हो जाएगा डिटेक्ट उतनी जल्दी ये ठीक भी हो जाता है जितना लेट डिटेक्ट होएगा उतना मुश्किल है तो ज़रूर ध्यान रखें ज़रूर सतर्क रहें बिल्कुल मैम एट लास्ट एक मैसेज या फिर एक एडवाइस उन पेरेंट्स के लिए जो अपने वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करें क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं वो वर्किंग ही है नाइन्टी फाइव परसेंट पेरेंट्स वर्किंग है उनके लिए कैसे वो डील करें कि बच्चों को प्रॉपर टाइमिंग मिल सके उनकी जो डेवलपमेंट है बहुत अच्छे तरीके से हो सके उसमें हम ये कर सकते हैं आई एम ऑल्सो वर्किंग आई एम ऑल्सो मदर ऑफ टू तो ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा टाइम मैं अपना ऑफिस में भी देती हूँ अपने बच्चों को भी देती हूँ अपना बैलेंस करो अपना घर का और ऑफिस का टाइम जाते ही मैं ज़रूर बच्चों को पहले पूछूंगी कि कैसा रहा उनका दिन क्या किया उन्होंने स्कूल में फिर उनकी खुद की एक्टिविटीज़ होती हैं माय सन गोज़ टू ट्यूशन टू स्पोर्ट्स क्लास फिर आकर ज़रूर मुझे होता है कि हाँ आ गया है तो नविश क्या क्या किया कैसे कैसे मज़ा किया आपने क्या कुछ वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग विद मी मतलब ऑलवेज मेक अ बॉन्ड ये नहीं है कि मैं बाहर हूँ तो उसको है कि मम्मा तो बाहर ही रहेगी ऐसा कुछ नहीं है ये सिर्फ आप पे होता है कि आपने कैसे बैलेंस करना है उसको पूरा टाइम दो उसको लव केयर कंसर्न चाहिए बच्चों को और कुछ नहीं मेन जो है कम्युनिकेशन है वो जो ब्रिज है पेरेंट्स yes. और बच्चों के बीच में वो बिल्ड करने के लिए कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करना पड़ेगा बिल्कुल उसमें आप हमेशा बच्चों को हमेशा एक तो पोलाइटनेस और बार बार की उनको टोकना हमने कम है और हर चीज़ में उनको प्यार से डील करना है उनकी नेगेटिव को इग्नोर करके हमेशा उनके पॉजिटिव देखो तो हमेशा एक बच्चा मतलब बहुत खुश रहते हैं बच्चे जी जी। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਤਾਂ 에ਸੀ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿs ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਹੋਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋਰ ਵਦੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬਲਿੰਕ